मेरा चैनल UI बाय जन्नत। आज की वीडियो में हम क्लीन्स थ्योरम देखेंगे, जो कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्लीन्स में बेसिकली तीन थ्योरम आते हैं, यूनियन, कॉन्कैटनेशन, क्लोजर। और क्लीन्स हमारे पास, जब हम क्लीन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, मतलब ये तीन थ्योरम से कोई भी थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हम DFA भी फाइंड कर सकते हैं, NFA भी फाइंड कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम DFA फाइंड करना सीखेंगे, राइट? क्लीन्स थ्योरम जो होता है बेसिकली तीन तरह का होता है यूनियन। तो बात करते हैं अगर पहले यूनियन की। यूनियन का मतलब होता है हमारे पास दो RAs गिवन होंगी, R1, R2, राइट? दो RAs कहने या दो DFA कहने, फाइनाइट ऑटोमेटा। हमारे पास यूनियन में जो प्रोसीजर लगता है वो होता है OR का प्रोसीजर, राइट? जिस तरीके से हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक में हमारे पास OR AND होता है, उसी तरीके से OR जो होगा वो यूनियन में लगता है। कॉन्कैटनेशन में जो लॉजिक लगती है वो होती है हमारे पास AND की लॉजिक। और जो क्लोजर होता है वो सेल्फ स्टेरिक, मतलब सेल्फ पावर में आ जाता है कि वो खुद के साथ ही अटैच होता है, सिर्फ एक DFA के ऊपर बेस होता है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक FA होती है, उसी FA का हम DFA और NFA दोनों निकालते हैं। यूनियन और कॉन्कैटनेशन के लिए, इन दो थ्योरम्स के लिए, इनको प्रूफ कराने के लिए जब हम इसका DFA निकालते हैं तो उसमें हमारे पास दो FAs होती हैं, ये दो FA के ऊपर बेस होती है और ये भी, और उन दो FAs के ऊपर हम कॉन्कैटनेशन और यूनियन दोनों करेंगे। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी दो FAs दी हुई हैं, FA1, FA2, ठीक है? अब इन दो सिंपल सी FA में देख लेते हैं। ये हमारे पास X1 जो है पहली FA में, वो इनिशियल स्टेट है, X3 फाइनल स्टेट है, और ये सिंपल AB की ट्रांजिशन हो रही हैं। FA2 में Y1 इज़ द इनिशियल, Y2 फाइनल है, और ये सिंपल हमारी ट्रांजिशन हो रही हैं। यहाँ पर B जा रहा है इसकी तरफ। अब इस पर जब यूनियन परफॉर्म करेंगे, यूनियन परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होती हैं दो चीज़ें। एक चाहिए होता है हमें ट्रांजिशन टेबल, ठीक है? ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास एक कॉलम आएगा A के लिए, एक कॉलम आएगा B के लिए, और A और B की ट्रांजिशन जिन स्टेट्स पे होंगी वो नंबर ऑफ स्टेट्स हम यहाँ लिखते हैं। इनिशियल जो स्टेट होती है वो होती है Z1। अब जो मेन हमारा काम है जिससे हम ये ट्रांजिशन टेबल फिल करेंगे वो यहाँ आता है। सबसे पहले लिखेंगे Z1 जो कि इनिशियल स्टेट होगी। Z1 में आएगा, अब क्योंकि ये यूनियन है, मैंने कहा था यहाँ पर OR का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। FA1 और FA2 दोनों की इनिशियल स्टेट्स हमारी जो नई इनिशियल स्टेट है Z1 उसमें डालेंगे, ठीक है? ऐसे लिखेंगे X1 और Y1। अब क्योंकि ये हमारे पास FA हैं तो FA में बेसिक काम क्या हो रहा है, A और B की ट्रांजिशन हो रही होती है, तो A और B की ट्रांजिशन हमें यहाँ पर भी शो करनी होगी। तो एक काम करते हैं, एक अपनी मेमोरी के लिए यहाँ पर एक छोटी सी लाइन डालते हैं। अब उसमें लिखते हैं A और B। अब ये और B हम कैसे रीड करेंगे, हमें क्या पता चलेगा? A और B दोनों हम रीड करेंगे Z1 से, मतलब Z1 में जो स्टेट्स हैं उनसे पहले हम A रीड करेंगे, फिर हम B रीड करेंगे। X1 से हम अगर A रीड करते हैं तो जाएंगे X2 पे, और Y1 से A रीड करेंगे तो जाएंगे Y1 पे। अच्छा, अब ये जो X2 और Y1 है ये नई स्टेट है, तो इसका नई स्टेट का नया नाम होगा। अब X1 से रीड करना है B, X1 से B रीड करेंगे, X1 पे ही जाएंगे, और Y1 से B रीड करने पर जाएंगे Y2 पर, तो ये भी नई स्टेट है, ठीक है? Z3 लिख देते हैं। अब Z1 से हम A और B दोनों रीड कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, Z2 जो स्टेट आई है उसके अंदर जो स्टेट्स हैं उनसे A और B रीड करना है, Z2 से। तो A और B Z2 से रीड करेंगे, तो X2 से A जा रहा है X3 की तरफ, और Y1 से जो A है वो जा रहा है Y1 की तरफ, तो ये तो बन गई नई स्टेट। हमें नई स्टेट कब बनानी होगी, हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास स्टेट्स आई हैं क्या वो पहले ऊपर रिपीट हो रही हैं, नहीं हो रही। X3 और Y1 एक साथ कभी भी रिपीट नहीं हो रहा, तो हम ये बताएंगे कि ये नई स्टेट आ गई, ठीक है? अब हम X2 से ही यहाँ से
बी रीड करेंगे। तो एक्स टू से बी पढ़ेंगे जाएंगे एक्स वन पे, और अगर वाई वन से बी पढ़ेंगे तो जाएंगे वाई टू पे। तो क्या ये स्टेट रिपीट हो रही है? एक्स वन और वाई टू, एक्स वन और वाई टू, यस रिपीट हो रही है, मतलब जेड थ्री की स्टेट हो गई रिपीट। अब दोबारा क्या पढ़ना है? ए और बी पढ़ना है जेड थ्री से। जितनी स्टेट्स हमारे पास यहाँ बनती रहेंगी, उस हर स्टेट से हम ए और बी को रीड करेंगे। तो जेड थ्री में एक्स वन है, एक्स वन से ए पढ़ेंगे एक्स टू पे जाएंगे, और वाई टू से ए पढ़ेंगे वाई वन पे जाएंगे। एक्स टू वाई वन रिपीट हो रही है, यहाँ पर ये स्टेट हो गई रिपीट। बी के लिए भी सेम देखेंगे, एक्स वन से बी जाएंगे एक्स वन पर, और वाई टू से बी जाएंगे वाई टू पर। तो एक्स वन वाई टू अगेन जेड थ्री रिपीट हो गया। अब बची सिर्फ एक स्टेट, कौन सी स्टेट बची? जेड थ्री एंड जेड फोर। जेड थ्री हमारी कवर हो चुकी है, जेड फोर से हम रीड करेंगे। जेड फोर से रीड करेंगे तो एक्स थ्री से क्या पढ़ना है? ए। एक्स थ्री से ए पढ़ेंगे, एक्स थ्री पर ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि लूप लगा हुआ है। और वाई वन से ए पढ़ेंगे, वाई वन पर ही जाएंगे। तो एक्स थ्री वाई वन जेड फोर रिपीट हो गई। उसके बाद बी पढ़ना है, एक्स थ्री से बी पढ़ेंगे, लूप है, एक्स थ्री पर ही जाएंगे। और अगर वाई वन से बी पढ़ेंगे तो वाई वन से बी पढ़ने पर हम जाएंगे वाई टू पर। वाई वन से बी पढ़ेंगे तो जाएंगे हम वाई टू पर, ठीक है। और एक्स थ्री वाई टू हमारे पास कोई स्टेट आई है? नहीं, ये स्टेट हमारे पास कभी भी नहीं आई। तो ये हमारे पास होगी जेड फाइव। अब जेड फाइव से पढ़ेंगे, जितनी स्टेट्स आती रहेंगी उतनी दफ़ा हमें ये काम करना पड़ेगा। जेड फाइव से ए पढ़ेंगे, एक्स थ्री से ए पढ़ेंगे एक्स थ्री पे, वाई टू से ए पढ़ेंगे वाई वन पर। एक्स थ्री वाई वन जेड फोर है, ठीक है। एक्स थ्री से बी पढ़ेंगे एक्स थ्री पे, और अगर वाई टू से भी पढ़ेंगे तो वाई टू पर। ये आ गई जेड फाइव रिपीट। अब हमारे पास कोई भी नई स्टेट नहीं आई, सारी पुरानी स्टेट्स हमने कवर करनी है। तो अब भरते हैं ट्रांजिशन टेबल को। ट्रांजिशन टेबल में पहले नंबर ऑफ स्टेट्स डाल देंगे एक्स टू, सॉरी जेड थ्री, जेड फोर, जेड फाइव, ये सारी स्टेट्स डाल दें। बहुत सिंपल है, यहाँ हमने लिखा हुआ है कि एक्स वन से ए के लिए जेड वन, से ए के लिए जेड टू, बी के लिए जेड थ्री। तो ट्रांजिशन टेबल वैसे ही फिल कर देंगे। ये ट्रांजिशन टेबल यहाँ से देखते हुए यहाँ फिल कर दिया, सिंपल। अब इस टेबल को देखते हुए हम बनाएंगे डीएफए। लेकिन जो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगी? इनिशियल स्टेट तो यही रहेगी, राइट। फाइनल स्टेट, वो हर जेड स्टेट फाइनल स्टेट होगी जिसमें एक्स थ्री और वाई टू हर होगा, या एक्स थ्री या वाई टू, क्योंकि और की लॉजिक है। अब देखते हैं एक्स थ्री कहाँ आ रहा है। एक्स थ्री आ रहा है जेड फोर पे, और एक्स थ्री कहाँ आ रहा है? जेड फाइव पे भी आ रहा है, ठीक है। बस वाई टू कहाँ कहाँ आ रहा है? वाई टू आ रहा है जेड थ्री पे, और वाई टू आ रहा है, बस यहीं आ रहा है। तो अब हमारे पास मतलब हो गया कि जेड थ्री, जेड फोर, जेड फाइव, ये तीन स्टेट्स होंगी फाइनल स्टेट हमारे फाइनल प्रोडक्ट ऑफ यूनियन के डीएफए में। कितनी स्टेट्स हैं? पांच स्टेट्स हैं। पांच स्टेट्स ड्रॉ कर लेते हैं, जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, जेड फोर एंड सिमिलरली जेड फाइव। फाइनल और इनिशियल का जो है वो मार्क भी कर देते हैं। अब सिंपल यहाँ से हमें ड्रॉ करनी है ट्रांजिशंस। तो जेड वन से ए के लिए जाएंगे जेड टू पर, ए के लिए जाएंगे हम जेड टू पर, और बी के लिए जाएंगे हम जेड थ्री पर, ओके। टू से कहाँ जा रहे हैं? जेड फोर और जेड थ्री, जेड फोर पे। जेड टू से हम ए के लिए जाएंगे जेड फोर पर, और बी के लिए जाएंगे जेड थ्री पर। जेड थ्री से ए के लिए जाएंगे जेड टू पर, ठीक है। तो इस तरीके से बैक का एरो डाल के ए के लिए जाएंगे, और जेड थ्री से बी के लिए लूप लगेगा।
जेड फोर पे लूप लगेगा ए के लिए और बी के लिए जाएंगे जेड फाइव पर। जेड फाइव से ए के लिए आएंगे जेड फोर पर और बी के लिए लगेगा लूप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डीएफए है क्लीन्स के यूनियन का प्रोसीजर फॉलो करते हुए। यूनियन के प्रोसीजर में एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास दो एफएज होंगी। दोनों एफएज को देखते हुए हम और की लॉजिक लगाकर अपनी सारी स्टेट्स निकालेंगे और हर स्टेट से ए और बी को रीड करेंगे। फिर आ जाते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल पर। ट्रांजिशन टेबल हम इस टेबल को देखते हुए ट्रांजिशन टेबल फॉलो करेंगे। ट्रांजिशन टेबल में इनिशियल और फाइनल, इनिशियल तो वही रहेगा जो हमारे पास इनिशियली एक्स वन और वाई वन आता था। फाइनल हमारे पास वो हर स्टेट फाइनल होगी जिसमें हमारी ओरिजिनल एफ ए की फाइनल स्टेट्स इन्वॉल्व्ड होंगी, या ये या ये या दोनों। और फिर इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए सिंपली सारी ट्रांजिशंस लगाएंगे और अपनी डी एफ ए बनाएंगे। तो ये था यूनियन क्लीन्स थ्योरम का। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्लीन्स थ्योरम का जो कॉन्कैटनेशन है वो बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।